प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। आज पूरा भारत शोकाकुल है, हर तरफ उदासी का माहौल है, राजनीतिक गलियारों में भी सन्नाटा छाया हुआ है। मुलायम सिंह यादव हमारे बीच नहीं रहे। आपको बता दें, मुलायम सिंह काफ़ी लंबे समय से बीमार भी चल रहे थे और आज उन्होंने 8:16 पर अपनी अंतिम सांस ली। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस शोक की घड़ी में उनके परिवार वालों को सांत्वना दी और मुलायम सिंह के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही आज अखिलेश यादव विधानता हॉस्पिटल से मुलायम सिंह के पार्थिव शरीर को लेकर वहाँ से सफाई के लिए निकले। और आपको बता दें कि जहाँ जहाँ से उनका काफिला गुजरा, जहाँ जहाँ से मुलायम सिंह के पार्थिव शरीर का काफिला गुजरा, वहाँ पे सपा कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में उनको श्रद्धांजलि दी। उनकी आंखें नम थीं और अपना शोक व्यक्त किया। अब मुलायम सिंह के पार्थिव शरीर को लेकर सैफई पहुँचे हैं, जहाँ पर भारी संख्या में, लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं और मुलायम सिंह के आखिरी दर्शन करने के लिए उतर। मुलायम सिंह का वो कद था कि छोटे से छोटा और बड़ा सा बड़ा व्यक्ति भी उनका दिल से सम्मान करता था, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो प्रतिपक्ष हो, दोनों उनके सम्मान की दृष्टि से देखते थे। और उनका कद ऐसे ही नहीं, धरती पुत्र मुलायम सिंह कहा जाता था। इस समय हमारे साथ, हमारे समक्ष मौजूद हैं राम सजन यादव जी, जो कि एडवोकेट हैं हाईकोर्ट के। राम सजन यादव जी, आज मुलायम सिंह देश प्रदेश की जनता को अकेला छोड़ गए हैं, कितनी बड़ी क्षति आपको लगती है ये? देश के लिए और हम सभी लोगों के लिए, माननीय नेता जी के लिए बहुत बड़ी क्षति है जो हमारे बीच आज नहीं है। अत्यंत दुख की घड़ी है और हम शोकाकुल परिवार माननीय अखिलेश यादव जी के साथ हैं। हम लोग भी सफाई के लिए रवाना है और रास्ते में इस स्थान पर रुक करके आपके साथ हम वार्तालाप कर रहे हैं। सरन जी, काफ़ी संघर्षपूर्ण जीवन रहा मुलायम सिंह का और काफ़ी जुझारू व्यक्तित्व के व्यक्ति रहे। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा पदाधिकारी भी मुलायम सिंह की बहुत सम्मान की दृष्टि से देखता है, बहुत इज्जत की नज़र से देखता है। और सत्ता पक्ष के वरिष्ठ जो भी नेता रहे, उन्होंने अपना शोक उनके प्रति व्यक्त किया है। आपको क्या लगता है, कितनी क्षति सपा को मुलायम सिंह के जाने से उठानी पड़ेगी? माननीय नेता जी के जाने से सपा को ही नहीं, देश को भी एक बहुत बड़ी क्षति प्राप्त हुई है, क्योंकि वो धरती पुत्र मुलायम सिंह थे। उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री, 1 बार रक्षा मंत्री रहे हैं। पहली बार 1989 में वो मुख्यमंत्री बने जी, और उसके बाद उन्होंने अपना बहुत बड़ा कार्यकाल संभाला, पार्टी को इतना बड़ा स्तंभ पर खड़ा किया। माननीय नेता जी का कद इतना बड़ा है कि उनका अपने शब्दों में और किसी भी तरीके से हम लोग उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, और केवल हम उनके लिए संवेदना व्यक्त कर सकते हैं। माननीय नेता जी देश के बहुत बड़े नेताओं में से एक हैं। सचिन जी, कभी आपकी व्यक्तिगत उनसे भेंट हुई है? जी, मेरी व्यक्तिगत उनसे कई बार मुलाकात हुई, पार्टी कार्यालय में, सम्मेलन में, एकाध बार तो पार्टी में दावतों में भी मेरी मुलाकात हुई। कुछ क्षणिक मुलाकात ऐसी भी हुई जिस समय हमको उनसे वार्तालाप करने का अवसर प्रदान हुआ। एक बार मैं पार्टी कार्यालय में उनसे मुलाकात किया, उसके कुछ दिन बाद हमारी मुलाकात एक कार्यक्रम में हो गई। उन्होंने मुझे बाय नेम बुलाया कि राम सिंह तुम कैसे हो, ठीक हो ना, कभी हमारी जरूरत पड़े तो जरूर आना। तो हम लोगों को जब भी मार्गदर्शन और उसकी जरूरत पड़ती थी तो हम अक्सर उनके पास जाया करते थे। राम सजन जी, नेता जी हम लोगों को, राम सजन, ये तो मुलायम सिंह में बड़ी विशेषता थी कि वो अपने छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को नाम से जानते थे और उन्हें शक्ल से पहचानते थे। जी, राम सजन जी, वो कभी भी, ऐसा कोई वाक्या जो आप नहीं भूल पा रहे हो? नेता जी के लिए इतने सारे वाक्या है कि एक चीजों में कह पाना संभव है, क्योंकि नेताजी एक देश के रक्षा मंत्री रहे हैं, जिस दौरान उन्होंने हमारे देश के शहीद जवानों के पार्थिव शरीर जो उनके घर नहीं आता था, जिसके लिए उन्होंने किया, और आज मान नेताजी हमारे बीच नहीं है। यह बहुत दुखद घटना है।
जब मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री थे तो उन्होंने शहीदों के पार्थिव शरीर को उनके गांव तक पहुंच सके, उनके आवास तक पहुंच सके, इसकी पहल उन्होंने की थी। और आज ये बहुत ही दुखद क्षण है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी आज मुलायम सिंह के इस आकस्मिक निधन से बहुत व्यथित हैं और अभी शोक समाधान व्यक्त कर रहे हैं। जी जी, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी के लिए वो सम्माननीय थे। आपको एक वाक्य याद होगा, अभी जब वो पार्लियामेंट गए हुए थे तो सत्ता पक्ष केंद्रीय मंत्री भी उनको उनको साथ ले जा करके पार्लियामेंट ले जाते थे। उनको माननीय अखिलेश जी तो हमेशा उनको लेके ही जाते थे साथ में। और ये क्षति बहुत बड़ी क्षति है देश के लिए, हम लोगों के लिए। और उम्मीद करते हैं हम लोग कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी उनकी कमियों को दूर करें हम लोगों के लिए। मुलायम सिंह जी का कद इतना बड़ा था कि खुद सत्ता पक्ष में मौजूद जो नेता हैं वो भी उनसे सलाह मशवरा लेते थे और उनसे कई बार उनसे शिष्टाचार भेंट भी आपने देखी होगी। हमारी योगी आदित्यनाथ खुद भी उनके आवास पर जाकर उनसे कुशल सेम पूछा उन्होंने और खुद भी जाकर वो उनसे पर्सनली मुलाकात करते थे। फिलहाल माननीय नेताजी से मिलने के लिए सभी लोग जाया करते थे और माननीय नेताजी का कद इस तरह का था कि वो कभी किसी को नाराज नहीं करते थे, वो हमेशा सबके साथ रहते थे और किसी को किसी भी तरीके की परेशानी हो, साथ में हो, राष्ट्रीय स्तर का नेता हो या आम आदमी हो, सब लोग उनके पास जाया करते थे और सबसे मिलते थे। राम सज्जन यादव जी, आपकी आवाज से भी लग रहा है कि आप वो तकलीफ महसूस कर रहे हैं आज मुलायम सिंह के जाने की। ये बहुत ही दुखद है और मैं बहुत दुखद तो घटना है सर, हम लोग उसके लिए बयान नहीं कर सकते। हमारे साथ जुड़ने के राम सज्जन यादव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सैफई में इस समय मुलायम सिंह जी के पार्थिव शरीर को वहां पे जनता के दर्शन हेतु रखा गया है और सभी लोग मुलायम सिंह जी के पार्थिव शरीर का दर्शन कर रहे हैं और अपनी शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले सीएम योगी और स्वतंत्र देव सिंह, शिवपाल सिंह सब लोग वहाँ पर मौजूद रहे और अपना उनके दर्शन किए। जनता के दर्शन हेतु मुलायम सिंह का पार्थिव शरीर रखा गया है। चलिए इसी के साथ आज मुलायम सिंह जी हम सबके बीच नहीं रहे, ये एक बहुत बड़ी क्षति आज देश प्रदेश की जनता को मिली है। आज समस्त देश शोकाकुल है, उनके परिवार के साथ सभी देश की सहानुभूति है। फिलहाल एक मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, आगे की जो भी जानकारियां आएंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।